अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है स्पेशल गरम मसाला। इसे केटर किया है राजधानी केटरर्स ने। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपको अब तक तो कर ही लेना चाहिए। ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। गरम मसाला मैं आपको 700 to 750 ग्राम्स के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप ये बना सकते हैं ईजिली अच्छे से। ठीक है, जावित्री आपको लेना है 10 ग्राम। ठीक है, जावित्री 10 ग्राम लेना है। लौंग जो है वो 100 ग्राम, काली मिरी 250 ग्राम, बड़ी इलायची, ठीक है, जो ये काली इलायची आप देख रहे हो उसे बड़ी इलायची कहा जाता है, ये 50 ग्राम। उसके बाद जाएगा इसमें हरी इलायची विच इज़ ग्रीन कार्डमम, ओके, सो दैट इज़ अराउंड 100 ग्राम। ठीक है, हरी इलायची 100 ग्राम, स्टार अनीस जिसे पता नहीं बादियान का फूल भी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ये जो दिख रहा है वो आपको डालना है अराउंड 20 ग्राम। ओके, तो जो एग्जैक्ट मैंने आपको बताया है वही मेजरमेंट यूज़ करना। ये है दालचीनी, तो दालचीनी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, फ्रेग्रेंस होता है, तो 40 ग्राम। ओके, सो इसमें जाएगा जायफल। ये जायफल ना एकदम मतलब एकदम हल्का सा, एक सुपारी का टुकड़ा होता है ना छोटा सा एकदम, वो आपको डालना है। ये ज़रा भी आप ऊपर नीचे कर दोगे आपका पूरा गरम मसाला जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है, और इसको क्वांटिटी के हिसाब से आपने नहीं डाला तो ये कड़वा हो जाएगा। तो 5 ग्राम, ठीक है, जायफल सिर्फ 5 ग्राम ही जाएगा इसके अंदर। पूरा मिक्स कर लीजिए, उसके बाद जाएगा ज़ीरा। तो ज़ीरा है अराउंड 200 ग्राम्स। सो गाइज, आपने बहुत कमेंट किया है मुझे गरम मसाले के लिए, और कोई भी केटरर अपना स्पेशल गरम मसाला नहीं बताते हैं, बट सिंस आपने इतना रिक्वेस्ट किया है तो मैं आपकी रिक्वेस्ट कैसे पूरी नहीं कर सकती हूँ। सो आई होप आपको ये मसाला जो है वो पसंद आया होगा। ये गरम मसाला है, अगर आप डालते हो तो कोई भी चीज़ दूसरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गरम मसाला यू कैन यूज़ फॉर एनी पुलाव, बिरयानी, करी और एनी स्टार्टर। बट आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कितना यूज़ करना है। हमेशा 1 किलो में 1 टीस्पून ही गरम मसाला जाता है, वो चाहे बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे वो कोई भी करी हो। सो मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मेजरमेंट एकदम सटीक है, आपका बिल्कुल भी जो रेसिपी है आप बनाते हो घर पे वो ख़राब नहीं होगा। जायफल का मैंने आपको बताया है, बराबर से ध्यान रखें। ठीक है, इसके आगे भी जो है मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ केटरिंग स्टाइल का, जिससे आपका जो ग्रेवी है या कोई भी पुलाव वगैरह है वो सबसे बेस्ट बने। सो कोशिश मेरी यही है कि आप घर में वन ऑफ द बेस्ट डिशेस बनाएं, जो आप हमेशा नॉर्मली कोई शादियों या फिर आप कहीं पे भी खाते हैं। अब गरम मसाले को आपको ऐसे गरम टोस्ट वगैरह नहीं करना है, आप डायरेक्ट पीस सकते हैं, बट उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और एयरटाइट में बंद कर दें। अब ये बन रहा है फ्राइड ओनियन, जिसे ब्रिस्ता कहते हैं मुंबई में, अब बाहर क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो इसको आपको गोल गोल कट कर लेना है। उससे क्या होता है कि ये जो है वो लच्छेदार बनता है। ब्रिस्ता बेसिकली लच्छेदार होना चाहिए, सॉगी नहीं होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए तो उसको कहा जाता है फ्राइड ओनियंस। फ्राई करने के बाद आपको इसे फैला के रख देना है कुछ 10-15 मिनट, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। अब ये पीसा इसलिए जा रहा है, ये जाएगा ग्रेवी में। तो काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जब कोरमा बनता है तो लास्ट में इसे डाला जाता है, क्योंकि वो दानेदार टेक्सचर के लिए काम आता है। देखा आपने किस तरीके से इन्होंने इसे मैश किया है, मैश नहीं किया है, कुरकुरा सा रखा है। नाउ इम्पॉर्टेंट टिप्स, नेवर ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट टुगेदर। आपने देखा होगा पहले मैं लहसुन डालती हूँ फिर गार्लिक डालती हूँ। एक मसाला एक ही टाइम पर डालना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ मीट इज़ वेरी एसेंशियल, गुड क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा फ्रेश यूज़ करें, गरम मसाला रेडीमेड यूज़ ना करें, घर पे जो बनाया है वही यूज़ करें। पुलाव और बिरयानी के लिए लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बासमती में दावत का बासमती सबसे बेस्ट है, और एक पंजाब ग्रेन भी आता है, बट वो लोकली पता नहीं मिलता है या नहीं। सो ये टिप्स जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है। ये आपको देखने में बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ये तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम हमेशा जिंजर गार्लिक साथ में डालते हैं फिर उसे भूनते बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का तरीका होता है, अगर आप तरीका फॉलो करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फेल इन एनी मेकिंग ऑफ एनी रेसिपीज़। सो गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा, और राजधानी केटर को ज़रूर से आप कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज आपने देखा उनके स्पाइसेस, कुकिंग ऑयल, ड्राई फ्रूट्स,
दे ऑलवेज यूज द बेस्ट क्वालिटी. ओके, ये सब ओपनली आपको दिखाया गया है. ओके, सो जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप जरूर से बताएं. मिलती हो नेक्स्ट मेकिंग के साथ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.